आज का हम लोगों का जो सॉल्यूशन है वो है ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 48 का सॉल्यूशन। अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो 48 और अगर हिंदी में बोला जाए तो 48। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे पिछले एक्सरसाइज प्रीवियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर के नाम का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें कि आपको ये कंप्लीट पूरे बुक का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन को। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें, और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तो चलिए आज हम लोग अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज 48 का क्वेश्चन। नीचे दिए गए हिंदी वाक्यों में के अंग्रेजी अनुवाद के लिए कोष्ठक में से सही शब्दों को चुने। देखिए, नीचे कुछ हिंदी के वाक्य दिए होंगे तो उसका हम लोगों को इंग्लिश करना है, जिसमें कि आधा वो दिया हुआ रहेगा और आधा हमको उसका इंग्लिश करके उसे चुनना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नंबर एक से। पहले हम लोग अपने कॉपी को कर लेंगे एडजस्ट। फिर देखिए नंबर एक में है मैं गया। तो देखिए मैं गया, इसका क्वेश्चन है आई डॉट 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 गो गोज एंड बेंट। तो देखिए ये हम लोगों का सिंपल पास्ट टेंस का ट्रांसलेशन है तो इसमें भी टू लगता है, तो गो का भी टू वेंट। नंबर टू वह आई। तो देखिए वह का सी ब्लैंक कम्स एंड कैम, तो इसमें भी हम लोगों का कम का भी टू लगेगा कैम। नंबर थ्री, नंबर थ्री में है तुम पटना गए, तुम पटना गए। तो देखिए यू ब्लैंक टू पटना, तो इसका भी देखिए गो वेंट गोन, तो देखिए इसमें हम लोगों का भी टू लगता है, शो वेंट होगा। नंबर फोर, हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने देखा, तो देखिए हम लोगों का वी डॉट 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 सी सॉ, तो देखिए देखा का इंग्लिश होता है सी बट वी टू सॉ। तो देखिए ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं नंबर पाँच में। तो इस एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस छः क्वेश्चन है जिसमें कि हम लोगों ने चार को देख लिया है, उसके बाद हम लोग चलते हैं नंबर पाँच में। राम ने एक सांप मारा। तो देखिए राम ब्लैंक ए स्नेक, तो देखिए इसका हो जाएगा किल्ड और किल्ड, तो देखिए भी टू होता है किल्ड। अब आज के इस एक्सरसाइज का सबसे अंतिम क्वेश्चन देखिए वो है मैं वहाँ था, आई ब्लैंक देयर, तो इसमें क्या एम या
वाज। तो ये देखिए सेंटेंस थोड़ा सा अलग है बट ये सबसे इजी है। अगर था है तो इसका ऑब्वियसली वाज लगेगा, आई वाज देयर। देखिए इसके साथ ही हम लोगों का आज का 48 जो है एकदम आसान शब्दों में आसानी से समाप्त हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।